हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो गॉर्डन रामजे का ब्रेड स्ट्रीट किचन है। ये हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं। ये एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है। आज हम लोग यहाँ पे खाने वाले हैं एंड मैं आपको सारा डिटेल्स एज द व्लॉग प्रोग्रेसेस देती जाती हूँ। बोला आज हम लोग खाने वाले हैं ब्रेड स्ट्रीट किचन बाय गॉर्डन रामजे। गॉर्डन रामजे एक बहुत ही रिनाउंड पॉपुलर सेलिब्रिटी शेफ है। आप लोग में से आई थिंक काफ़ी जन उनको ऑलरेडी जानते हो एंड जिन लोग नहीं जानते हो वो बहुत ही रिनाउंड सेलिब्रिटी शेफ है एंड उनके पास काफ़ी सारे मिशलिन स्टार्स है। इसलिए उनके सारे रेस्टोरेंट्स गॉर्डन रामजे रेस्टोरेंट्स मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स है। एंड आप लोगों को पता ही होगा मास्टर शेफ जो टीवी सीरीज आता है वहाँ पर भी वो काफ़ी टाइम जज रह चुके हैं काफ़ी टाइम से। सो वो बहुत ही एक पॉपुलर फेस है एंड बहुत ही एक ये जो ब्रेड स्ट्रीट किचन बाय गॉर्डन रामजे है सिंगापुर में काफ़ी फेमस है एंड काफ़ी एक हाइप है इस रेस्टोरेंट के बारे में। सो मेरे को और सौरभ को दोनों को ट्राई करना था। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू ट्राई यहाँ का खाना। सो आज हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। ये जो ब्रेड स्ट्रीट किचन बाय गॉर्डन रामजे का रेस्टोरेंट है ये लेवल 1 पे सिचुएटेड है इन द शॉपी बाय मरीना बे सैंड्स मॉल। ये बेसिकली मरीना बे सैंड्स का ही मॉल है जिसका नाम है द शॉपी। तो वहीं पे है लेवल 1 पे सिचुएटेड। तो आज हम लोग वहीं पे खाने वाले हैं। सो इस इंट्रोडक्शन को ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए डायरेक्टली चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि द होल प्लेस कैसा दिखता है और मैं सारा डिटेल्स प्राइस वगैरह रिव्यू सब कुछ आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो बने रहिए। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों फ्लोर मिला के है ब्रेड स्ट्रीट किचन बाय गॉर्डन रामजे इसका ये जो रेस्टोरेंट है। सो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में ही गए थे लेवल 1 में। वहीं पे रिजर्वेशन भी लेते हैं उन लोग थ्रू आउट द डे एंड डिनर भी हम लोग इसी फ्लोर में किए थे। सो बेसिकली ठंडे के टाइम में बाहर में भी सिटिंग अरेंजमेंट होता है बट सिंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था उस टाइम सो सिर्फ इनसाइड ही सिटिंग अरेंजमेंट्स अवेलेबल थे। एंड ये है ब्यूटीफुल डेकोर एंड गॉर्डन रामजे का खुद का लिखा हुआ बुक्स भी अवेलेबल है। एंड ये है बेसिकली द ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट एंड यहाँ पर आपका किचन भी है लाइव किचन जैसे कि आप देख सकते हो बना भी रहे एंड यही है बेसिकली द ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। एंड आइए अब आप देख लीजिए मेन्यू एंड आपको अगर कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस देखना है आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड बाय द वे गाइस सारा सब कुछ जो प्राइजेज है ये सब सिंगापुर डॉलर्स में है। हम लोग स्टार्टर्स में ऑर्डर किए थे प्रॉन कॉकटेल एंड गाइस जैसा कि आप देख सकते हो प्रॉन इज़ कवर्ड इन मेयोनी सॉस एंड लाइक एकदम परफेक्टली मेड विथ प्रॉपर जो फ्लेवर्स आने चाहिए वैसे ही थे एंड इट वाज रियली वेरी यमी। अगर आपको ऐसे कोल्ड सैलड्स या कोल्ड कॉकटेल्स ऐसे पसंद है यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। वी रियली एन्जॉयड दिस प्रॉन कॉकटेल। इट वाज रियली अमेजिंग एंड अ मस्ट मस्ट ट्राई गाइस। नेक्स्ट सौरभ ने ऑर्डर किया था बीफ वेलिंगटन जो गॉर्डन रामजे का सिग्नेचर डिश है। सो सौरभ को मीडियम रेयर कुक्ड मीट पसंद है एंड उसने वही किया था। सो सौरभ ने जो मुझे बोला बिकॉज मैं पर्सनली खाई नहीं थी तो सौरभ ने जो मुझे फीडबैक दिया जो ऊपर में आप क्रस्ट देख रहे हो वो भी काफ़ी सॉफ्ट था मीट भी बहुत ही टेंडर था एंड यमीलिशियस था। सो ओवरऑल जब वो लाइक खा रहा था पूरा मेल्ट कर जा रहा था मुंह में एंड इट वाज परफेक्टली मेड। सौरभ को बहुत पसंद आया था ये मीट। सो इट इज़ डेफिनेटली अगर आप लोग खाते हो बीफ तो डेफिनेटली जाइए एंड ट्राई करिए। ये सिग्नेचर डिश है इसी डिश का ही हाइप है इस रेस्टोरेंट में। सो ये डिश डेफिनेटली इट लिव्स अप टू द हाइप एंड अ मस्ट ट्राई है गाइज।
वहाँ पे चिकन में सिर्फ टू ही ऑप्शन था, एक था ग्रिल चिकन जो कि ये है, और दूसरा था बटर चिकन जो मैंने ऑप्ट नहीं किया था सिंस मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ. सो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था ग्रिल चिकन. जैसे कि आप देख सकते हो चिकन को अच्छे से ग्रिल किया गया है. थोड़ा सा एक हल्का सा वो ग्रिल वाला ऊपर का क्रस्ट थोड़ा सा हार्ड है एंड अंदर का चिकन इज़ वेरी वेल कुक्ड, सॉफ्ट है. एंड ऊपर से जो आप देख सकते हो यू ये एक पेस्ट बनाया गया है बेसिकली विथ मैश्ड स्मैश्ड पोटेटोज एंड अलग अलग लीव्स का, जो कि मुझे पेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली. अगर ये नहीं होता एंड सिर्फ चिकन होता आई वुड हैव एंजॉयड इट मच मोर. इट इज़ ओके ओके विद द पेस्ट ही उन लोग सर्व करते हैं, सो यू हैव टू हैव दिस चिकन. मुझे पर्सनली ठीक ठाक लगा, बट आई लव द वे द चिकन वॉज कुक्ड. सो यू गाइज कैन गो फॉर दिस ऑप्शन. अगर आपको और इंडियन खाना अच्छा लगता है सो आप बटर चिकन भी जा सकते हो, बट ओवरऑल द चिकन वॉज नॉट बैड, समथिंग डिफरेंट दैन यूजल. डेजर्ट में मैंने ऑर्डर किया था चॉकलेट फॉन्डेंट विथ सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम. ओ माय गॉड गाइस, दिस इज़ अ मस्ट मस्ट ट्राई. ये जो आप देख रहे हो ऊपर से एक मतलब हार्ड क्रस्ट बनाया गया है, जब भी आप इसको ब्रेक करोगे पूरा चॉकलेट आपको अंदर से ऐसे फ्लो करते हुए मिलेगा. एंड इट वाज रियली वेरी वेरी टेस्टी एंड द सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम भी बहुत ही डिलिशियस था. उन लोग का होममेड ही था आई थिंक. सो ओवरऑल द डेजर्ट इज़ अ बिग बिग थम्स अप. अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है डेफिनेटली ट्राई दिस कॉम्बिनेशन चॉकलेट फॉन्डेंट विथ सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम. यू आर गोना लव इट. मुझे ये दोनों सॉल्टेड कैरमल आइसक्रीम एंड विद दिस द चॉकलेट केक मुझे बहुत पसंद आया एंड आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड दिस. सो दैट वॉज इट गाइज. आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. डू हिट द लाइक बटन. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा थम्स अप बटन जरूर प्रेस करें. कमेंट्स में बताएं कैसा लगे ये वीडियो. एंड मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ गाइज. अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कभी भी इस रेस्टोरेंट में विजिट करने का, डेफिनेटली रिजर्वेशंस लेके आइएगा, क्योंकि उन लोग वॉक इन गेस्ट को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं एंड काफ़ी रेस्टोरेंट फुल रहता है क्योंकि इसका इस रेस्टोरेंट का एक अलग ही हाइप है. सो उन लोग मतलब जब रिजर्वेशंस लेते हैं उसी से रेस्टोरेंट फुल हो जाता है. सो वॉक इन गेस्ट का इमीडिएट सीट पाना थोड़ा सा टफ है. सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो पहले से रिजर्वेशन ले लीजिएगा इस रेस्टोरेंट में आने का. एंड बाकी एक्सपीरियंस तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया ही. फूड रिव्यू बोलिए, प्लेस मैंने आप लोग को दिखाया, बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो डेफिनेटली ये रेस्टोरेंट आप आ सकते हो, बट रिजर्वेशन ज़रूर लेके आइएगा अगर आप लोग इस रेस्टोरेंट को आ रहे हो, क्योंकि अदरवाइज चांसेस आर वेरी लेस. एंड बस आज का वीडियो यहीं तक गाइज. अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा डू हिट द लाइक बटन. कमेंट्स में बताइए कैसा लगा ये वीडियो. शेयर करें विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ये वीडियो. एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को जो कि है प्रियाशा बोस. एंड गाइज मैं ये जो सिंगापुर सीरीज ला रही हूँ, मैं बहुत एफर्ट दे रही हूँ आप लोग के लिए कुछ डिफरेंट कॉन्टेंट लाने का, लाइक थोड़ा सा डिफरेंट दैन यूजल. सो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा गाइज, इस सिंगापुर सीरीज का हर एक वीडियो सबके आपके फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज. मेरा चैनल नेम है प्रियाशा बोस, आप लोग को पता ही है. सो डू शेयर दिस सिंगापुर सीरीज का सारा वीडियोज विद एवरी वन. एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं गाइज. मैं स्टोरीज डालती रहती हूँ एंड काफी पोस्ट भी करती हूँ इंस्टाग्राम में, सो आप लोग को काफी अच्छा लगेगा. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रियाशा बोस, मैं नीचे भी मेंशन कर दूंगी यहाँ पे. एंड आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन एज आई ऑलवेज से, स्टे हैप्पी, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग गाइज. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.